जॉनी भाई कहता है जानकार बनिए और सतर्क रहिए, अपना पासवर्ड पिन ओटीपी सीवीवी नंबर किसी को ना बताएं। जॉनी स्टार बैंक, ओह यस बेबी, आपका अपना बैंक। उपेंद्र कुशवाहा, विड्रॉल फॉर्म आपने भरी है? जी नहीं सर, तीन बार हम ही भर के लाए थे, लेकिन हर बार आप कुछ न कुछ लोचा लगा देते हैं, इसीलिए इस बार किसी और से भरवा के लाए हैं। कौन वहाँ चल इसका विड्रॉल फॉर्म भरा है? अकाउंट नंबर जगह एफसी कोड लिखा है, दिन भर हम इसे काम करता रहे, इतना सारा पब्लिक अपना काम आने के लिए लाइन में खड़ा है, खुद भर के लाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बताए सर, एसी में रहने का आदत है, बाहर गर्मी से एकदम झड़क मार रहा है, थोड़ा एक चेक था देख लेते। सर ये आपका मंकी का बता रहा है, एसी में रहता है इसका मतलब पहले इसका काम कीजिएगा, हम लोग धूप में पैदल चलते हैं तो हम सा नहीं है, लाइन बाय लाइन काम कीजिए, नहीं तो ऐसा कान मारेंगे मेन ब्रांच तक आवाज जाएगा। आपके पास तमीज नहीं है, बैंक कर्मचारी से बदतमीजी करने पर आपको FIR भी हो सकता है। आप चुप रहिए, देर के लिए स्टिक लगा कर चप्पर चप्पर करने से बढ़िया इसको बोलिए लाइन से काम करें, नहीं तो कालर पकड़ के सीधे बाहर खींच लेंगे। ए बाबू थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो, दो मिनट का काम है, खटाखट हो जाएगा। सुनो ना बहन चोर, सारा मेरी घर से बाहर निकाल देंगे, चुपचाप पीछे से लाइन में आओ। सर आप जाइए पीछे, मूर्ख लोग नहीं समझेंगे। मूर्ख बोलेगा तो मुंह में मुंह देंगे, हम गरीबों का देने एसी में बैठकर खटाखट कर रहा है। गलती हो गया महाराज, लाइए पासबुक। सलाम मारेंगे ना ऐसा फट लगेगा अशोक के ला चाटने, पीछे का मतलब पूरा पीछे लाइन में जाओ। साला अगर यहाँ सीसी कैमरा नहीं लगा होता तुम लोगों का ऐसा मार मारता, मुंह से नकान से खून फेंकता घर से, आखिरकार खाता बंद करवा लेता यहाँ से। दोगला साला। सर एक पैसा निकालने वाला फॉर्म दीजिए। सर नीचे मुंह करके मैं लौड़ा देख रहे हैं, पैसा निकालने वाला फॉर्म लाइए। क्या भाई कोई रिस्पांस नहीं है, हम तुमको बोले थे जाम खाता खुलवाया खुलवा लो, बताओ गुंगा मुंडा को जॉब दे दिया है। ए भाई जूझी देखने से फुर्सत हो गया था, लाओ विड्रॉल फॉर्म। चला तू अंदर, देख नहीं रहा पूछताछ काउंटर है, एक नंबर काउंटर पे जाओ। सर एक पैसा निकाला फॉर्म। किसको चाहिए? इसको। इसको मुंह में टाका लगा है, बोल इसे दोबारा मांगे। सर माफी चाहते हैं, लाइए एक विड्रॉल फॉर्म, ये मेरा दोस्त है इसे विड्रॉल फॉर्म भरने के लिए लाए हैं। सर दो मिनट कलम दीजिए, तुरंत भर के दे देते हैं। तुमको बाप दिया है कलम भोसरी के, तुमको दे दे, यही काम है कलम बांटने का। क्या काम है आपका? KYC करना है मैम। सिग्नेचर नहीं है आपका, सिग्नेचर करके आइए। भैया थोड़ा कलम दीजिएगा। भैया थोड़ा भर भी देते, हम लोगों को भरने नहीं आता है। लाओ पेन दो, बाप के नौकर समझा है, तो पेन दो पर से भर भी दे, अनपढ़ लोग। बहन चौधरी कह रहे थे पढ़ लिख ले तो नहीं आम का रखवाड़ी करेंगे, चल किसी और से कलम लेकर हम भर देते हैं। अरे हम भी इससे कम पढ़ी लिखा थोड़ी है। दोस्त तू तो इज्जत बचा लिया, साला मूर्ख समझ लेता है। अरे पांच साल से बड़ा बेच रहा है, कहां क्या बोलना है सब जानता हूं। कितना पैसा निकालना है? 2.5 लाख। एक बात बताओ सब तुम्हारे जैसा बैंक में आता है क्यों? सर 2.5 लाख निकाले तो चेक भर के लाओ ना, विड्रॉल से 50,000 ही निकलता है, तुमको पता नहीं है? सर ये चेक क्या होता है? थोड़ा नजदीक आओ, थोड़ा माइक के भोम, मैनेजर से पूछ।
कैसे है भैया? बढ़िया। कहीं ना कहीं आपको देखे जरूर है। लाइए थोड़ा कलम विडल भर के दे देते हैं। मेरे पास कलम नहीं है। कौन है इस बैंक का मैनेजर? क्या हुआ बाबू? अरे गार्ड साहब, इतना बड़ा बैंक में अपने कस्टमर के लिए कलम नहीं रखता है? अरे लोग रणचूत नहीं जाता है तो वहाँ पे कौन फ्री मिलता है? शांत हो जाओ बाबू, शांत हो जाओ। अरे क्यों शांत हो जाए? इतना सारा वहाँ के पास कलम होते हुए कोई नहीं दिया है? अरे छोटा छोटा काम थोड़ी हमारे पास, बड़ा बड़ा काम करते हैं। इतना सारा बंदे को पास कलम होते हुए भी किसी को हेल्प नहीं करता है, सबके सब माल है। बाबू शांत हो जाओ, नहीं तो सब थपरे थपरे उड़ा देगा। ठीक है, वैसे काम क्या करते हो? अरे काम क्या करते हैं, ये अपना में रखवाली करने नहीं गया, आज मैं बर्फ इसने नहीं गया। बाहर निकल भोसरी के, नहीं तो हिला देंगे गार का छतरा। निकल, चल रे, पहले कलम खरीद के लाते हैं। इसमें आपका 200 रुपया कम है, या तो अभी पूरा कीजिए नहीं तो दूसरा फॉर्म भर के लाइए। सर पैसे तो बराबर थे, हो सकता है जेब में गिरा हो, चेक कर लेते हैं। सर जरा चेक कीजिएगा, कोई भी फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मिल गया सर, ये पकड़िए। देखिए संजना मैम, कभी कभी सर्वर के कारण ऐसा एरर आता रहता है, आपको कुछ नहीं करना है। वैसे आज हम करेला का भुजिया लेकर आए हैं, क्या लंच में हम दोनों साथ ट्राई करें? क्या मतलब? मेरा मतलब न्यू फंड क्रिएट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। संजना सर, आप क्या दिक्कत है सिस्टम में? कुछ नहीं सर, वो छोटा सा प्रॉब्लम था तो इन्होंने सही कर दिया। तुमको कौन बोला आने के लिए? कोई भी दिक्कत है उसके लिए मैनेजर है ना, तुम क्यों अपना बात काम शुरू करना नहीं आते हो? साला ये मैनेजर कब होगा यहाँ से ट्रांसफर? कहीं ऐसा नहीं कि संजना मैम के चक्कर में हम ही ट्रांसफर कर दें। क्या है तुम्हारा, लाओ पासबुक। सर डिपॉजिट करना है, ये पकड़िए बाकी के 200। सर हमें खाता खुलवाना है। यहाँ नहीं खुलेगा, मिनी ब्रांच में खुलवा लो। सर हमें छोटा मोटा ट्रांजेक्शन नहीं करना है, इसलिए यहीं खुलवाएंगे। ठीक है, काम क्या करते हो? बेंगलुरु मार्बल फैक्ट्री में काम करते हैं। साल के कितना कमा लेते हो? साल के हिसाब से अगर आप महीना में 25,000 कमाते हैं तो मेरा 32 से 50,000 का आंकड़ा चला जाता है, यानी साल का 4.5 से 5 लाख। बहुत बढ़िया, महीना के कितना बचा लेते हो और फैमिली के साथ संबंध क्या है? पैसे बचाने की बात तो बात की है, अगर बात संबंध पे आती है तो आप जैसे जॉब वालों की बीवी की तरह नहीं है जो किसी से घोपा घोपी करवा लेती है। रह गई पैसे बचाने की बात, अगर किसी महीने में चौदाई और पियाई ज्यादा हो गया तो 35,000 खर्चा हो जाता है। किसी महीना में घर भेजते, अगर नहीं होता तो घर से मंगवा लेते हैं। अरे बहन चो, तो जाओ ना मिनी ब्रांच में खाता खुलवा लो, यहाँ पारू खाने आया है। क्यों जाओ मिनी ब्रांच में खाता खुलवाने, यहाँ खोलने में तुम्हारा गाल फट रहा है। पता है मिनी ब्रांच वाला सब क्या करता है? जब भी मेरी बीवी पैसे निकालने जाती है तो 500 जगह 550 रुपए निकाल लेता है। जब भी हमको बाहर में 50 रुपए बेसी का मैसेज गिरता है तो बोलता है पूछने के लिए, तो मिनी ब्रांच वाला बोलता है इंश्योरेंस चार्ज कट गया, कभी बोलता है एटीएम चार्ज कट गया, कभी मैसेज चार्ज कट गया। खाता तो आपको खोलना ही पड़ेगा, अगर नहीं खोलना तो सादा पेपर लिख के दीजिए, खाता नहीं खोलेंगे, सारा कोरिया पंथी निकाल देंगे। अरे हम भी दिल्ली मुंबई रोज घूमते हैं। गार्ड साहब, गार्ड साहब। हाँ सर। इस बहनचोद को बिना पूछताछ के अंदर कैसे आने दिए? क्यों सर, ऐसा क्या हुआ? तुमको गार्ड का नौकरी दिया गया है, जब कोई अंदर है तो उसे पूछताछ करो, बैंक में क्या काम है, ऐसे ही कोई आ रहा है पट्टी मार लगा बाहर निकाल दो। सर हम इससे पूछे थे, बोला था खाता खोलवाना है और साथ में आधार पैन भी चेक किए थे। तुमको कहने का मतलब दिन भर सबका खाता खोल दे रहे, हम आराम नहीं करे, नहीं दिखता गर्मी कितना है? अगर ऐसा दोबारा किया तो हमेशा हमेशा के लिए गार्ड के नौकरी से हटवा देंगे। अरे मेरा गुरुजी हटवा दीजिएगा, गार्ड है इसका मतलब सर अज्ञान में गोली मार दे, बोले तो गोली मार देते हैं। अरे खाता खोलवाना है तो आप खाता खोलिए, पैसा डाले या नहीं निकाले सरकार समझेगा। और बार बार हमको धमकी नहीं दीजिएगा गार्ड से निकाल देंगे, यहाँ का सब स्टाफ मारपीट है, जब से कुछ छोड़ी है सब उसके पीछे पड़ गया, काम पर है किसी को ध्यान? बाबू तुम खैनी बनाओ, देखते हैं खाता कैसे नहीं खोलता है। चुना थोड़ा ज्यादा डालना। साला तू होगा जॉनी स्टार्ट बैंक का अकाउंटेंट, लेकिन हम भी दिन भर मावल में काम करते हैं और रात में जॉनी सिंस का नाच देखते हैं।
संजना मैम, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? क्यों? अरे कुछ डाटा आपको व्हाट्सएप करना था। अरे आप मेल कीजिए ना। अरे कहाँ मेल में ढूंढिएगा, नंबर दीजिए, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देते हैं। सर आप दोनों के सीनियर देखने बैंक में आए हैं। क्या काम है? पासबुक अपडेट करना है। अभी नहीं होगा, अगले 15 को आना, अभी मशीन खराब है। संजना मैम क्या हुआ, लीजिए मोबाइल नंबर डायल कर दीजिए। सर रोज रोज आपका मशीन ही खराब रहता है, ऐसे करते करते 1.5 महीना लगा दिया, आज मैं खुद ही चेक करूंगा, मशीन खराब है आपका दिमाग। साला गांड में पासबुक डाल के ऐसा अपडेट करेंगे, जिंदगी भर का स्टेटमेंट निकाल देंगे। भागता है कि नहीं भागता है? लीजिए सर, जितना आपका रिक्वायरमेंट था सारा डॉक्यूमेंट है। एक घंटा बाद आइए। क्यों? अभी लंच का टाइम हो गया है, 1 घंटा बाद आइए, नहीं तो कल मॉर्निंग में आइए। क्या है ये, 1 घंटा मॉर्निंग में, ये कल आइए करते करते 6 महीना हो गया। मेरा अच्छा खासा सिविल के गांड में कीड़ा पकड़ लिया है, काम कीजिए, अपने गांड मार लीजिए। आप क्या देख रहे हैं, जाइए लंच कीजिए, नहीं तो मुंह उधर घुमा लीजिए। अरे हम पागल हो गए, समूह का एक छोटा लोन नहीं दे रहे लोग। नहीं दे रहा तो हम क्या करें, हम बोले थे लोन लेकर किस्त नहीं भरने के लिए। बैंक का एक अपना रूल होता है, आप लंच के बाद आइए। अरे गांड मारते हैं ऐसा रूल को क्या करना है, आपको मेरे यहाँ से फॉर्म लेकर जमा कर लेना है। साला एक बार में तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम्हारा सिविल का ऐसा गांड मारेंगे, समूह का तो छोड़, गांव घर में कोई 1500 कर्जा भी नहीं देगा। संजना जी चलिए खाना खाते हैं। आज फिर तुम्हारा काम नहीं हुआ। काम क्या होगा, साला सब राक्षस है। राक्षस थोड़ी है, जोनी सिंह के चौधर है, ये सब ऐसे नहीं सुनेगा, ऐसे कंप्लेन हेड ब्रांच में कीजिए। हेड ब्रांच में कंप्लेन करेंगे तो इसे किसी और ब्रांच में ट्रांसफर कर देगा, 1 घंटा और देख लेते हैं, नहीं तो पदरी में लाख बीच टांग तोड़ देगी, फिर ब्रांच में ट्रांसफर होगा, सीधा हॉस्पिटल में ट्रांसफर होगा, 3-4 महीने से कम थोड़ी रहेगा। कितना पैसा निकालना है? 500। इतना पैसा यहाँ नहीं निकालते, मिनी ब्रांच में जाओ। सर वहाँ कैश नहीं है। तो हम क्या करें, छोटा मोटा ट्रांजेक्शन के लिए मिनी ब्रांच है, फिर खाली कीजिए। मिनी ब्रांच से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ का खाता है तो 100 या 500 आपको निकालना पड़ेगा। नहीं निकालेंगे, क्या कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? मैनेजर से बोल के मुँह में थूक रखवा देंगे। बार उखाड़ लेना, तेरे जैसे कितना आया है और आएगा। ए पासबुक ला। राजा भैया कैश लाने आया है? हाँ। और देखिए ना बांचो सबको, 500 रुपया नहीं निकाल रहा, मिनी ब्रांच में जाने के लिए कहता है। अरे तो निकाल लेते हमारे ब्रांच से। क्या निकाल ले, बाप के लौड़ा, कैश रहता है आपके ब्रांच में? नहीं था तो निकाल के पुर्जी ले लेते हैं, शाम को आके कैश ले जाते हैं। अपना मौकी के ढो में रख लीजिए कैश, आपसे बनिया तो मोबाइल दुकान वाला 100 रुपया में 5 रुपया लेता है लेकिन कैश हाथों हाथ देता है। साला मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि दिन भर आपका बैंक का चक्कर लगाते रहे। संजना मैम एक फाइल सेंड की है, जरा प्रिंट करके दीजिएगा। रमेश जी अभी तक तो कुछ नहीं आया, मेल ही खोल रखे हैं। अरे आपको इसलिए बोले थे व्हाट्सएप नंबर देने के लिए। तू लिख मेरा व्हाट्सएप नंबर। सर आप नहीं, तू लिख मेरा व्हाट्सएप नंबर, जब से देख रहे कभी व्हाट्सएप नंबर मांगता, कभी मेल करता, कभी हाथ भर के माउस चलवाता। तो आपका लार्ज हो रहा है। अरे बेचारी अभी नई नई ज्वाइन की है, अरे थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं तो आपको गांड क्यों चलता है। अरे आपसे नहीं फंसेगी वो। सर आप दोनों जाइए प्लीज, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। कुछ भी कर ले बेटा, पटाएंगे तो हम ही, 1.5 लाख की ना सैलरी है। सर देखिए तो 2 महीना का वृद्धा पेंशन आया है या नहीं, अगर आया होगा तो निकाल दीजिएगा। चाचा 400 कैश कर दिए और 500 का इंश्योरेंस कर दिए हैं, और ये है आपका पेपर, इसे पन्नी चढ़वा लीजिएगा ताकि जल्दी खराब ना हो। सर ये इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब होता है अगर आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या पैदल चलते, किसी गाड़ी से गांड चिपा कर मर जाते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारा बैंक कर्मचारी 3-4 साल दौड़ाने के बाद आपके घर में बेटा पोता जिसका भी नॉमिनी में नाम होगा उसे 20 लाख रुपया देगा। अरे बहनचो सरकार हमको जो भी देता है 400-500 रुपया खैनी बीड़ी खाने के लिए, उसका तूने इंश्योरेंस कर दिया। तुमको लगता है सुनो कैर बाइक चलाएंगे, पैदल आते हैं पैदल जाते हैं, अभी बंद कर। चाचा एक बार हो गया चालू ये स्कीम तो उसे दोबारा बंद नहीं कर सकते। कैसे बंद नहीं करेगा, तो दादी के चो दो
बंद कर, नहीं तो ऐसा गाने में लाठी डालेंगे बैंक से बाहर जाके गिरेगा। चाचा हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन इसे 6 महीने से पहले बंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं बंद करेगा रे? इंश्योरेंस चालू करने से पहले हमसे पूछा था। एक काम कर, मेरा खाता अभी बंद कर। ठीक है चाचा, एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए। साला मारेंगे इसे लाठी मोथे फाड़ देंगे। इंश्योरेंस हम चालू किए थे, खुद लिख के बंद कर, हम उठा लगा देंगे। ठीक है चाचा, आप जैसा चाहें। अभी बैंक का समय खत्म हो गया, आप कल आइए। ठीक है बहन चोद, कल आते हैं, 500 का सवाल है।